हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था, तो इस लेक्चर में हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन थोड़े सी हम ये जान लेते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक पढ़ने से पहले कि जो बेसिक टर्म्स है सेलुलरिटी लेवल पे डिवाइड करने का, ठीक है, या अल्ट्रा स्ट्रक्चर लेवल पे डिवाइड करने का किसी भी ऑर्गेनिज्म को, उसको हम उस टर्म को समझ लेते हैं ताकि हमको आगे ये जो टॉपिक है, ये पॉइंट जो है, हमको इसके बारे में समझने में कोई तकलीफ या कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो हम देखते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, पहला ए सेलुलर एंड सेकेंड सेलुलर। ठीक है, तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म उसे बोलेंगे जो सेल थ्योरी को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, यानी उसके सारे क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। लेकिन जो वही सेल थ्योरी के क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करेंगे उसके का उसे हम क्या बोलेंगे, ए सेलुलर बोलेंगे। ठीक है, अब सेल थ्योरी हमारा क्या था, हमने पढ़ा था सेलन एंड सोन द्वारा जो दिया गया था, हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका जो बॉडी है क्या है, सेल एंड उसके प्रोडक्ट से बने होते हैं। ठीक है, जो उसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है एक सेलुलर बेसिस पे होता है। ठीक है, उसमें एक न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, उसमें एक प्रोटोप्लाज्म होते हैं, यानी कि सॉरी एक प्रोटोप्लाज्म। तो सेल थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसका बॉडी क्या होता है, सेल और उसके प्रोडक्ट्स के बने होते हैं। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर सेलुलर लेवल पे होता है। ठीक है, बेसिक यूनिट क्या होता है किसी ऑर्गेनिज्म के, वो सेल होते हैं, उसमें उसके सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली भी सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, तो इस ये सारे रूल्स को जो फॉलो करेगा, ये सारे क्राइटेरिया को जो फॉलो करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन वही इस सारे क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता उसको हम क्या बोलेंगे, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम देख भी सकते हैं कि इसमें क्या है, उसका जो पॉइंट जो देख सकते हैं हम क्या है, न्यूक्लियस एसिड पैक्ड इन है प्रोटीन सेल। अब क्या है, एक प्रोटीन सेल है उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड पैक्ड है, तो हम इसको क्या सेलुलर मानेंगे, नहीं मानेंगे। ये तो क्या है, ऊपर सेकेंड पॉइंट हम देख सकते हैं क्या है, ये होस्ट सेल के बाहर क्या करता है, नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है, यानी कि हम इसको होस्ट सेल से निकाल दें, बाहर रख दें, तो क्या है, ये एक क्रिस्टल के रूप में है, ये नॉन लिविंग है, तो हम क्या कि इसको हम सेलुलर नहीं मान सकते। जैसे वायरस हो गए, वायराइड्स होंगे, और ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं। ठीक है, इसका नेचर कैसा होता है, इन्फेक्शियस होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये दोनों ए सेलुलर एंड सेलुलर लेवल पे समझ में आ गया हो कि ये दोनों क्यों है। अब सेलुलर पे हम देख सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो आज हम प्रोकैरियोटिक के बारे में जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इसको भी हम क्या करते हैं, प्रोकैरियोट्स जो है उसको भी हम दो पार्ट में तोड़ देते हैं, प्रो एंड कैरियोट। ठीक है, तो प्रो का मतलब यहाँ पे क्या होता है, प्रिमिटिव या बिफोर। आप ये पबजी वाले प्रो मत समझ लेना कि आप प्रो प्लेयर हो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे प्रो का मतलब क्या है, प्रिमिटिव या बिफोर। कैरियोट का मतलब होता है कैरियन, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, आप बहुत जगह कैरियन के बदले सीड्स लिखा दिख जाएगा या फिर कर्नल लिखा दिख जाएगा, तो उसका मतलब वही न्यूक्लियस ही होता है। ठीक है, अब हम देखो इसमें एक चीज और देख लेते हैं, एडवर्ड चैटन दिया है, उन्होंने बोला कि जो भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, उसमें क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स बाउंड, ऑर्गेनल्स जो होते हैं उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होते। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे एडवर्ड चैटन के बारे में डिस्कस करा कि जो पहला बार था जो इस चीज को डिफाइन करा कि इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होते हैं या फिर जो ऑर्गेनल्स बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, तो ये इनके द्वारा बोला गया था। अब प्रोकैरियोट्स का कुछ पॉइंट्स है हम पढ़ते हैं, इसके बाद इसके डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि कौन चीज कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है ऑलवेज यूनिसेलुलर, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, सेकेंड क्या है, प्राइमोर्डियल न्यूक्लियस, या अब इसका न्यूक्लियस जो होगा, हमने पहले भी पढ़ा एडवर्ड चैटन के बारे में, उन्होंने बोला क्या कि जो इनका न्यूक्लियस होता है वो क्या होते हैं, प्राइमरी फेज में होते हैं, यानी कि बेसिक फेज में होते हैं, जहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं होते। ठीक है, तो वही बात वही है, प्राइमोर्डियल न्यूक्लियस का मतलब यूनिशियल फेज में होते हैं, प्राइमरी फेज में या बेसिक फेज में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सिंपल सेल, यानी कि जो सेल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं, उसमें कुछ ऑर्गेनल जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, ये सभी प्रेजेंट नहीं होते। अब है क्या बोल, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट,
अब न्यूक्लियाइड कहने का मतलब होता है, ऑइड मतलब क्या होता है, जैसा, यानी लाइक। तो न्यूक्लियाइड मतलब न्यूक्लियस जैसा, यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस जैसा कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो न्यूक्लियस नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, यानी कि इसमें क्या होंगे, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, जैसे राइबोजोम हो गए, गोल्जी अपरेटस हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, या फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, न्यूक्लियर न्यूक्लियस हो गए, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था कि इसका जो न्यूक्लियस होता क्या है, वो प्राइमोर्डियल फेज में होता है, वो वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसको हम न्यूक्लियस नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी कि डीएनए का क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड प्रेजेंट स्ट्रैंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो भी स्कटर्ड होता है साइटोप्लाज्म, यानी कि इनका न्यूक्लियस इसी तरह होता है, यानी न्यूक्लियाइड जो, न्यूक्लियाइड कहने का हमने पहले भी पढ़ा समझाया आपको कि न्यूक्लियाइड क्या होता है, कि साइटोप्लाज्म में एक कहीं पे जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है, यानी कि जो क्रोमेटिन है वो स्कैटर्ड होके प्रेजेंट रहता है, उसको हम न्यूक्लियाइड यानी न्यूक्लियर रीजन बोल देते हैं। नेक्स्ट है मीजोजोम्स प्रेजेंट, तो मीजोजोम्स का काम क्या होता है, वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, तो ये भी क्या होता है, ये प्रेजेंट होते हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में क्या है, बैक्टीरिया है ना, आर्की बैक्टीरिया देख सकते हो। चलिए हम इसको डायग्राम से समझते हैं कि इस सारे का सारे चीज का फंक्शन कैसे होता है और कैसे काम करती है। तो आप यहाँ एक सेल देख सकते हो, ये एक बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, इसमें हम सारे चीज को समझते हैं कि सारे स्ट्रक्चर को समझते हैं कि सारे का वर्क क्या है। ठीक है, हम सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे हमको न्यूक्लियाइड दिख रहा है, तो न्यूक्लियाइड हम पहले भी बोला था कि क्या है, एक साइटोप्लाज्म में एक डीएनए क्या होता है, वो स्कैटर्ड रूप में प्रेजेंट होती है, यानी कि क्रोमेटिन कहीं पे साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है, उसको हम उस रीजन को क्या बोल देते हैं, हम न्यूक्लियाइड बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाता है, हम आप देख सकते हैं यहाँ पे कैप्सूल, कैप्सूल का काम क्या होता है, इसको आउट एक सबसे आउटर लेयर होता है जिसको ये बैक्टीरियल सेल को या प्रोकैरियोटिक सेल को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि एक मेम्ब्रेन होती है यानी कि साइटोप्लाज्म को बाउंड करती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर ठीक है या सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों बात वही होती है। अब सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी कैप्सूल के बीच में आप देख सकते हो एक और मेम्ब्रेन या लेयर प्रेजेंट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। तो सेल वॉल भी क्या है, एक रिजिड स्ट्रक्चर होती है जो इसको एक स्ट्रक्चर के रूप में प्रोवाइड करने में यानी एक शेप देती है बैक्टीरियल सेल को। ठीक है, नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म, आप देख सकते हो एक प्रोटोप्लाज्म है, यानी कि एक लिक्विड जैसा स्ट्रक्चर होता है जो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं पूरे सेल में, इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब एक चीज एक देख लो कि हम जैसे कि साइटोप्लाज्म का मतलब सारे का सारे कहीं पे आपको दिख जाएगा साइटोप्लाज्म या साइटोसोल, तो साइटोसोल कहने का मतलब क्या होता है और साइटोप्लाज्म कहने का मतलब क्या होता है, ये समझ लो आप कि साइटोप्लाज्म यानी कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोल देंगे। ठीक है, लेकिन यही अगर हम सिर्फ साइटोप्लाज्म जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है यानी कि प्लाज्मिड हो गए, न्यूक्लियाइड हो गए, राइबोजोम्स हो गए, मीजोजोम्स, इसके अलावा छोड़ के कि जो लिक्विड रूप से आपको मैट्रिक्स दिख रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोसोल बोलते हैं। तो ये दोनों के डिफरेंस हमको जानना चाहिए कि साइटोप्लाज्म और साइटोसोल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे मीजोजोम्स, तो मीजोजोम्स क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक फोल्डिंग होता है जो हमने पहले ही बताया क्या काम करता है, इसका रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, और ये फोल्डिंग इसलिए होती है जिससे क्या होता है, ये ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। अब देख लो यहाँ पे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बस ऐसे जाती तो क्या है, इसको कम सरफेस एरिया मिलती, अब यहाँ से ये फोल्ड होकर के ऐसे आ रही है। ठीक है, तो ये क्या है, इसको सरफेस एरिया ज़्यादा प्रोवाइड करा दे रही है, जिससे ये क्या है, इसके वो रेस्पिरेशन यानी कि ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज यहाँ पे हो पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप राइबोजोम्स, राइबोजोम्स का मतलब राइबोजोम्स आरएनए, राइबो मतलब क्या होता है, आरएनए, यानी कि ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख सकते हो पाइलस, तो पाइलस क्या है, नहीं कंजुगेशन यानी कि बैक्टीरियल सेल को क्या करते हैं, वो रिप्रोडक्शन करने में हेल्प कर सकते हैं। हम आगे स्ट्रक्चर में आगे डायग्राम में देखेंगे कि किस तरह से पाइलस रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख सकते हैं फ्लैजिलम, तो फ्लैजिलम क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया को या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को मूवमेंट करने में हेल्प करती है। और एक बैक्टीरियल सेल में देख सकते हैं एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं
प्लाज्मिड। तो ये हम बोलते हैं कि जो मेन क्रोमोजोम होते हैं उसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल रीजन प्रेजेंट होता है जो सर्कुलर होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये हेल्प करती, ये एक डीएनए होते हैं जो क्रोमोजोम के अलावा प्रेजेंट होती है, जो मेन क्रोमोजोम होती है यानी कि जो न्यूक्लियर होते हैं उसके अलावा प्रेजेंट होते हैं, उसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक है। तो हम आगे देख लेते हैं कि जो पाइलस जो है वो कंजुगेशन करने में किस तरह से बैक्टीरिया को हेल्प करती है। आप कंजुगेशन में देख सकते हो यहाँ पे एक डोनर है और एक रिसिपिएंट है। आप डोनर के पास देख सकते हो कि क्रोमोजोमल डीएनए भी है और प्लाज्मिड डीएनए है, ठीक है, लेकिन रिसिपिएंट के पास प्लाज्मिड डीएनए नहीं है। तो डोनर और रिसिपिएंट आपस में क्या करेंगे, पाइलस के थ्रू कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो डोनर है वो अपने प्लाज्मिड डीएनए से कुछ पार्ट क्या करेंगे, रिसिपिएंट में ट्रांसफर करेंगे और फिर रिसिपिएंट उसको फुली कॉपी करके यानी कि क्लोन करके एक नया इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। तो इस तरह से क्या इनमें रिप्रोडक्शन होती है। अब दोनों का नेचर क्या हो गया, सेम ही हो गया कि इसके पास भी क्रोमोजोमल डीएनए है, इसके पास भी क्रोमोजोमल डीएनए है, इसके पास भी प्लाज्मिड डीएनए है और साथ में अब रिसिपिएंट के पास भी प्लाज्मिड डीएनए है। इस तरह से क्या इनमें रिप्रोडक्शन होती है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।